आप थोड़ा पीछे हो जाएंगी, यहां से गिर सकती हैं आप, थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार, रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, गर्मी तो नहीं लग रही, नहीं अगर अगर हवा खाने खड़ी हो तो खड़ी रहो, मतलब मुझे बताना तुम्हारा फर्ज बनता है कि गिर सकती हो यार। तुम्हें लगता है कि मैं रात के इस पहर यहाँ इसलिए खड़ी हुई हूँ ताकि मैं हवा खा सकूँ? तो कर क्या रही हो यार यहाँ पे, तुम हो कौन? None of your business. Okay. अच्छा, let me guess. तुम किसी fashion model show से आई हो? कोई fashion designer हो? या फिर तुम वो बंदी तो नहीं हो जो एक शादी से उठ के आ गई क्योंकि एक और बंदी तुम्हारे जैसा लिबास पहनी हुई थी? यार, इतनी बड़ी औरत होते हुए यार ऐसी हरकतें करोगी? औरत? 22 साल की हूं, 26 की लग रही हो। अपनी शादी से भाग के यहां आई हूं सुसाइड कमिट करने के लिए। सुसाइड मतलब? मतलब खुदकुशी। प्लीज देखें, एक सेकंड रुक जाएं। मतलब इतनी ऊंचाई से कूद जाओगी? चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं? नहीं नहीं, वेट 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 वेट, प्लीज प्लीज, मेरा एक काम कर सकती हैं आप? काम? देखिए, मैं एक राइटर हूं, मैं कहानियां लिखता हूं, आप मुझे बताएं आपके साथ हुआ क्या है, मैं वो कहानी लिखता हूं और फिर बेशक आप यहां से छलांग मार दिएगा। तुम्हें लगता है कि मैं यहां तुम्हारे बोरिंग राइटिंग करियर को बूस्ट देने के लिए खड़ी हुई हूं? ओ यार, मरने से पहले एक तो अच्छा काम कर जाओ यार, मेरी लाइफ बन जाएगी। और जहां तक क्रेडिट का सवाल है, वो मैं तुम्हें दूंगा, मैं बाकायदा लिखवाऊंगा कि भाई इन लविंग मेमोरी ऑफ मीशा मायसेल्फ अजहर। नो वन आस्क्ड यू। अच्छा एक मिनट यार, आप कहां जा रही हैं यार? क्या मसला है तुम्हारा? सवाल जवाब चल रहे हैं, आप थोड़ा रुक तो जाएं। मेरा करियर बोरिंग है? यस, राइटिंग बहुत बोरिंग करियर है, और एक तो आप राइटर हैं ऊपर से वो भी फ्लॉप। तो ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तब भी मैं सुसाइड कमिट कर रही। अच्छा एक मिनट यार, आप एक मिनट। What is your problem? थोड़ी देर रुक जाओ। मसला क्या है तुम्हारा? मैं अपना फोन घर पे भूल आया हूँ, तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं यूं जाके लेके आता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी कुत्ते हुए वीडियो भी बना लूंगा, मतलब प्लीज। और क्या चाह रही हो यार? इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ एक खत में लिख चुकी हूँ। खत? सीरियसली, इस दौर में खत? तो और क्या करती? मतलब बड़ी ही ओल्ड फैशन किस्म की खुदकुशी करने जा रही हैं आप? मैं आपकी जगह होता ना तो मैं कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता, अपने सारे दोस्तों को उस पर ऐड करता, एक लंबा चौड़ा सेंटिमेंटल सा मैसेज लिखता, या फिर एक वॉइस नोट तो बनता यार, या फिर एक वीडियो कॉल, वीडियो चैट ही सही, उसमें कितने इमोशन जाहिर हो जाते हैं। और मैं अपना फोन नहीं लाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यहां पे थोड़ी देर रुको, मैं यूं गया और यूं आया। और कुछ खाया भी है तुमने, या अपनी शादी से खाली पेट फरार? मुझे बताओ क्या खाओगी, वो मैं लेके आता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं खड़ी मजाक कर रही हूँ? कूदने वाली हूँ मैं। भाई तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ से कूद के मर भी जाओगी? यहाँ से गिर के कोई नहीं बचता। हो सकता है कि तुम यहाँ से छलांग मारो और तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाएं और तुम फिर भी जिंदा बच जाओ। ये भी हो सकता है कि तुम पूरी जिंदगी माजूर रहो, और ये भी हो सकता है कि कुछ हो ही ना। मेरी मानो, ये बड़ा रिस्की सा काम है, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और पंखे से लटक के मर जाओ। घर पे मेहमान बहुत हैं, कमबख्त लटकने ही देंगे मुझे। ये भी एक अलग मसला है, शादी के दौरान वो भी लोग घर पहुंच जाते हैं जो रिश्तेदार होते ही नहीं। हमें शादी कल्चर का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो मुझे बताओ, तुम 22 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला?
बड़ा नहीं बुरा फैसला. अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत नहीं मिली थी. तो खुदकुशी कर रही हो तुम? भाग के भी तो शादी कर सकती थी, मतलब भाग तो तुम गई हो तो अब शादी भी कर लो. जिसके लिए भागी थी वो किसी और के साथ भाग गया. I'm sorry, मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता था, लेकिन मतलब इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम उससे एक दफा पूछ तो लेती कि उसको क्या करना है. तुम लड़कों के लिए सब कुछ एक मजाक होता है ना. एक लड़की अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप, अपना खानदान पीछे छोड़ के, अपनी शादी से भाग के यहाँ सुसाइड कमिट करने के लिए खड़ी हुई है और तुम्हें इस बात पे हंसी आ रही है. देखें, ऐसी बात नहीं है. आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आप इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही होंगी. तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम मर्द होते ही ऐसे हो. वो भी ऐसा था. मेरे पैर क्यों देख रहे हो? नहीं, वो मैं बस देख रहा था कि तुम भूत तो नहीं हो. दोनों पैर टेढ़े तुम्हारे, अब मेरा मतलब सीधे तुम्हारे. अब जरूरी नहीं होता कि सब भूतों के पैर उल्टे हों. आप इस वक्त ये माहौल भी तो देखें. अंधेरी रात के अंदर एक अकेली ब्रिज के ऊपर एक दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई लड़की यहाँ पे खुदकुशी करने आ गई है. अब मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं ऐसी. लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कहानियों के इर्द गिर्द ही घूमती है. हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना तुम्हारा. अब ऐसा क्या देख रहे हो? मेरी जिंदगी की कहानी इतनी भयानक है कि अगर तुम सुनोगी ना तो हो सकता है कि उल्टे पैर अभी घर लौट जाओ. मुझे जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं. पता है, मैं भी खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, बुज़दिल हूं, मुझसे नहीं किया गया. लेकिन अब यही खौफ मैं तुम में देख रहा हूं, यहां से छलांग मारने का खौफ. तो क्यों ना मैं तुम्हारा ये फैसला थोड़ा आसान कर दूं, तुम्हारी मदद कर दूं, तुम्हें धक्का दे दूं. अपने आप को देखो जरा, पिच तो ऐसे पकड़ ले जैसे जान निकल जाएगी. कूदने चली थी. भाई अपना वक्त जाया कर रही हो तुम, मेरी मानो, घर जाओ, अपने माँ बाप से माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा यार, माफ कर देंगे. और अब मुझे ये मत कहना कि अभी तुम 2 सेकंड में मुझे बोलोगी कि ओ आपके साथ मजाक हुआ है, वो देखे कैमरा है, हाथ हिला दें. इतने वीरान इलाके में तुम जैसी लड़की की कोई जगह नहीं है, कोई भी फायदा उठा सकता है. चलो गायब हो, घर भाग जाओ. रुको, अगर मैं ना जाऊं तो? बहुत शौक है ना मेरी जिंदगी बचाने का. खुद की जिंदगी बचा के दिखाओ. प्रैंक्स बना के यूट्यूब पे डालती हूँ, जितना लोग डरेंगे उतने मेरे व्यूज आएंगे, तो मोर पॉपुलर आई गेट. आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया. वो गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है. यू नो व्हाट, यू आर गोना बी अ स्टार, लेट मी शो यू. एक्चुअली कम.
समझ आया? हमें लगता है कि हम खुदकुशी करेंगे तो जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। खुदकुशी करने के बाद हर लम्हा मौत है। अपनी जान लेना मजाक नहीं है।